वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारे न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज मैं बीए सेकंड ईयर वालों के लिए हिस्ट्री से मोस्ट इंपोर्टेंट लघुतर प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पूरे सिलेबस में जितने मोस्ट इंपोर्टेंट लघुतर प्रश्न थे आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुगलकनामा किसने लिखी। तो यह पुस्तक जो है अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई थी। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया था, तो आपको प्रीवियस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन जरूर याद करके जाने हैं। मैंने पहले ही प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो अपलोड कर दी है, आप सभी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आपको प्रीवियस ईयर से तो जरूर सभी क्वेश्चन याद करके जाने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होकर पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। विस्तृत उत्तर प्रश्न की भी वीडियो जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी। यदि आप सभी वीडियोस देख लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छी परसेंटेज से पास हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं यहाँ पर चंद्रवरदाई। नेक्स्ट यहाँ पर पुस्तक गुलजार ए अबरार के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक का नाम है मोहम्मद गौसी। नेक्स्ट यहाँ पर फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी। तो उन्होंने फतूहाल ए फिरोज शाही के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट यहाँ पर पद्मावत के रचयिता का नाम बताइए। तो इसके रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तारिक ए फरिश्ता किसने लिखी है। तो यह पुस्तक हिंदू बेग फरिश्ता ने लिखी है, तारिक ए फरिश्ता। नेक्स्ट है फतूह उत सलातीन के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक है इसामी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर खिलजी वंश के दो स्रोतों के नाम लिखिए। तो खिलजी वंश के दो स्रोत है, पहला है तारिक ए फिरोज शाही जो कि जियासुद्दीन बरनी द्वारा लिखी गई है, और दूसरा यहाँ पर खजानुल फतूह अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रथम व द्वितीय तराइन युद्ध कब लड़े गए। आपके एग्जाम में प्रथम तराइन युद्ध भी पूछा जा सकता है या द्वितीय तराइन युद्ध भी पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों ही याद करके जाने हैं। प्रथम तराइन युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, जबकि द्वितीय तराइन युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। ये युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़े गए थे। नेक्स्ट यहाँ पर भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल बताइए। तो इसका उत्तर है 24 जून 1206 से 1210 ईस्वी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी को। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। तो यहाँ पर इल्तुतमिश राइट आंसर है। नेक्स्ट है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल है 1211 से 1236 ईस्वी तक। आपको शासनकाल भी जरूर याद रखना है, क्योंकि शासनकाल भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इल्तुतमिश का शासनकाल क्या था। तो इसका उत्तर है 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के दो शासकों के नाम लिखिए। तो आप दो शासकों के नाम लिख सकते हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। नेक्स्ट है तुर्कान ए चालीसा का संस्थापक कौन था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या इसे कह सकते हैं कि चालीसा चहलगान गुट संगठन का निर्माण किसने किया था। इसे 40 गुट संगठन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तुर्कान ए चालीसा का संस्थापक इल्तुतमिश था। नेक्स्ट यहाँ पर इल्तुतमिश का शासनकाल बताइए। तो उनका शासनकाल था 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, इस वर्ष भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर टंका सिक्के की शुरुआत किसने की। तो टंका सिक्के की शुरुआत इल्तुतमिश ने ही की थी। नेक्स्ट है इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन था। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, या रजिया सुल्तान का शासनकाल बताइए। इसका उत्तर है यहाँ पर मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। रजिया ने लगभग 3.5 वर्ष यानी 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक शासन किया था। उनका शासनकाल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको शासनकाल भी याद रखना है, 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक। नेक्स्ट यहाँ पर रजिया सुल्तान के पतन के दो कारण बताइए। प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पहला है रजिया सुल्तान की निरंकुशता, और दूसरा है राजपूतों तथा भारतीय जनसाधारण से गिरना। नेक्स्ट है बलबन का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल बताइए। तो बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद के प्रधानमंत्री के रूप में 1246 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक कार्य किया। इसके बीच कुछ समय 1259 ईस्वी से 1260 ईस्वी तक के लिए वह प्रधानमंत्री नहीं रहा था।
नेक्स्ट है बलबन के शासन प्रबंध की दो विशेषताएं लिखिए या बलबन के दो राजत्व सिद्धांत बताइए। यहाँ पर पहला है बलबन ने राजत्व के सिद्धांत निश्चित कर दिए, जैसे राजा के देवी अधिकार और निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता, ताज की प्रतिष्ठा आदि। दूसरा है उसने शासन में रक्त तथा लोह नीति का अनुसरण किया। नेक्स्ट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, लोह एवं रक्त की नीति किसने शुरू की या बलबन की रक्त तथा लोह नीति क्या थी। रक्त एवं लोह नीति जो है वह बलबन द्वारा ही शुरू की गई थी। तो बलबन ने अपने शासनकाल में रक्त तथा लोह नीति का अनुसरण किया। वह अपने विरोधियों के साथ किसी प्रकार की रियायत करने के पक्ष में नहीं था। वह उनका निर्दयता पूर्वक दमन करने में विश्वास करता था। इसी नीति का पालन करते हुए उसने 40 के मंडल का नाश किया तथा मेवातियों, दोआब के हिंदुओं, कटेहर के हिंदुओं और बंगाल के विद्रोहियों का दमन किया। तो यह उसकी रक्त एवं लोह नीति थी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। इसका उत्तर हो जाएगा खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिनका शासनकाल था 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक। आपको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल भी याद रखना है, 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक। नेक्स्ट यहाँ पर अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण कब किया। तो अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर 1300 से 1301 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया, तो उन्होंने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन का पहला आक्रमण कब हुआ। तो दक्षिण भारत यानी देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण 1296 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर मलिक काफूर कौन था। मलिक काफूर किस सुल्तान से संबंधित था, उसने साम्राज्य के लिए किस क्षेत्र को विजित किया। इसका उत्तर है मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य सेनाधिकारी था। उसने अलाउद्दीन के साम्राज्य के लिए दक्षिण क्षेत्र को विजित किया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी का देहांत कब हुआ, तो उनका देहांत हुआ था 1316 ईस्वी में। नेक्स्ट है अलाउद्दीन के राजत्व के सिद्धांत के विषय में आप क्या जानते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन ने राजत्व के सिद्धांत में निरंकुशता को आधार बनाया। उसका विश्वास था कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, राजा का कोई संबंधी नहीं होता और राज्य के सभी निवासी उसके सेवक तथा प्रजा होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के बाजार प्रबंध की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका पहला हो जाएगा यहाँ पर अलाउद्दीन ने वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर दिया और अनाज का संचित भंडार एकत्रित किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट बाजार नियंत्रण व्यवस्था की दो विशेषताएं बताइए, तो इसकी दो विशेषताएं हैं, पहली है मूल्य पर नियंत्रण, दूसरा है राशन प्रणाली की व्यवस्था। नेक्स्ट यहाँ पर घोड़ा दागने की प्रथा किसने शुरू की थी, ये प्रीवियस ईयर में भी कई बार पूछा जा चुका है, तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। नेक्स्ट यहाँ पर खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो खिलजी वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह, जिनका शासनकाल था 15 अप्रैल 1320 ईस्वी से 5 सितंबर 1320 ईस्वी तक। नेक्स्ट यहाँ पर तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक की दो योजनाओं के नाम लिखिए, इसका उत्तर हो जाएगा राजधानी परिवर्तन और दूसरा है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी राजधानी का नाम बताइए या मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन कब किया, उसकी दूसरी राजधानी का नाम क्या था, अथवा मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ परिवर्तित की। तो इन सभी क्वेश्चन का एक ही आंसर है कि मोहम्मद तुगलक ने 1327 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन किया था। उसकी दूसरी राजधानी देवगिरी थी, पहली राजधानी उनकी दिल्ली थी। नेक्स्ट यहाँ पर मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था या मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की। इसका उत्तर है यहाँ पर इब्न बतूता, यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट यहाँ पर ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक वंश के दो शासकों के नाम बताइए, तो दो शासक है यहाँ पर, पहला है मोहम्मद तुगलक और दूसरा है फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक वंश के पतन के दो कारण लिखिए, तो इनमें पहला कारण है मोहम्मद तुगलक की विशिष्ट योजनाओं के परिणाम स्वरूप जनता को अपार कष्ट पहुँचा और वह विद्रोह में लिप्त हो गई, उसके समय से ही साम्राज्य में विद्रोह का प्रारंभ हुआ। दूसरा है मोहम्मद तुगलक ने उलेमाओं का राजनीति में पूर्णतः बहिष्कार कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने क्रोधित होकर विनाशकारी षड्यंत्र रचे और साम्राज्य की शक्ति को खोखला कर दिया। तो ये दो कारण थे तुगलक वंश के पतन के।
नेक्स्ट यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है लोदी वंश के संस्थापक का नाम बताइए, तो इसका उत्तर हो जाएगा बहलोल लोदी। नेक्स्ट है लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था, वह किससे पराजित हुआ, तो लोदी वंश का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। वह पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था में मुगल बादशाह बाबर के हाथों पराजित हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था 1526 ईस्वी को। नेक्स्ट है लोदी वंश के दो शासकों के नाम लिखिए, तो पहला है यहाँ पर बहलोल लोदी जिनका शासनकाल था 1491 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक, तथा सिकंदर लोदी जिनका शासनकाल था 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक। आपको सभी के शासनकाल जरूर याद रखने हैं, एग्जाम में कोई भी शासनकाल आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से लगातार आपके एग्जाम में शासकों के शासनकाल जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सल्तनत कालीन भूमिकर क्या कहलाता था, तो सल्तनत कालीन भूमिकर खराज कहलाता था। यह भूमिकर गैर मुसलमानों से लिया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है इस्लाम द्वारा लगाए गए चार करों के नाम लिखे, तो पहला है यहाँ पर जजिया, दूसरा है करी, तीसरा है खम्स और चौथा है खराज। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के पतन के दो प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए या सल्तनत काल के पतन के दो कारण लिखिए, तो इसमें पहला है उत्तराधिकार के नियम का अभाव और दूसरा है मंगोल आक्रमण। नेक्स्ट यहाँ पर कुतुब मीनार पर टिप्पणी लिखें, तो कुतुब मीनार सल्तनत काल की एक प्रमुख इमारत है, इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और इसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। नेक्स्ट है महमूद गजनवी द्वारा आक्रमित किन्हीं चार राज्यों के नाम लिखें, तो चार राज्य हैं, पहला है मुल्तान, दूसरा है मथुरा, तीसरा है पंजाब और चौथा है थानेश्वर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाजा किसने बनवाया या अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सल्तनत काल में बरीद किसे कहा गया, तो सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक डाक तथा गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था। नेक्स्ट है तुर्कों की सफलता के दो कारण लिखे, तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की पराजय के दो कारण बताइए, तो इसमें पहला कारण है भारतीय सेना की अपेक्षा तुर्की सेना अधिक सुसंगठित थी और दूसरा है तुर्की सेना में धार्मिक उत्साह अधिक था। नेक्स्ट है यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई दो इमारतों के नाम लिखिए, तो पहली है कुवल उल इस्लाम जो कि दिल्ली में है मस्जिद है, दूसरा है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो कि अजमेर में है वह भी एक मस्जिद है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुवल उल इस्लाम किसके द्वारा बनवाई गई, तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई थी, या अढ़ाई दिन का झोंपड़ा किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पर जजिया कर से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सल्तनत काल में जजिया नामक एक कर था, इसे गैर मुस्लिम प्रजा से वसूल किया जाता था। नेक्स्ट है जकात से आप क्या समझते हैं, तो जकात इस्लामिक प्रकार से दान देना है जिसे धार्मिक रूप से आवश्यक और कर के रूप में देखा और माना जाता है। नेक्स्ट है तैमूर के भारतीय आक्रमण के दो प्रमुख परिणाम लिखे, तो यहाँ पर पहला परिणाम है तुगलक वंश पर घातक प्रहार, यानी तैमूर के आक्रमण का सबसे प्रमुख परिणाम यह हुआ कि इससे तुगलक वंश पर घातक प्रहार हुआ और उसका पतन हो गया। दूसरा है अकाल तथा रोगों का प्रकोप, तैमूर ने लाखों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया, उनकी लाशों के सड़ने से महामारी फैल गई जिससे हजारों व्यक्ति मर गए। तैमूर की लूटमार से अनेक गांव तथा नगर उजड़ गए और वहां अकाल की स्थिति पैदा हो गई। तो ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप सभी क्वेश्चन को जरूर याद करके जाएं। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट होकर जरूर पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली ड्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं इसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।